हाथ में शस्त्र, एक हाथ में संयम का प्रतीक के पीछे रखता हूँ मैं। एक कन्हैया जो जेएनयू में पैदा हुआ वो जीवित है आज तक, यही आश्चर्य की बात। और एक सन्यासी जो आपके लिए लड़ता है, वो क्यों लड़ता है? क्योंकि आप नामर्दों की फौज है। हिंदुओं और जैनियों में नामर्दों की औलादे इतने पनपे हुए हैं, जयचंदों की औलादे, आप लोगों के कारण हम लोगों को शस्त्र उठाना पड़ा। कोई व्यक्ति आपको स्वतंत्र करना चाहता है तो आप उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। आप नहीं जागोगे तो ये देश सड़ जाएगा, ये धर्म सड़ जाएगा, मिट जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जो धरोहर है अभी नष्ट हो जाएगी। जैसे कैराना नष्ट हुआ हिंदुओं की नजरों में, लाखों करोड़ों रुपए जहाँ पर रहे होंगे, एक रात में हमला हुआ, हमलों के द्वारा भागना पड़ा, भागना पड़ा। अगर मेरा सर भी कोई काट करके रख देगा तो भी मेरे आंखों से पीड़ा की लकीर न दिखेगी। शास्त्र नहीं, अब शत्रु की आवश्यकता होगी। उसी को धर्म योद्धा बोला जाता है, उसी को राष्ट्र योद्धा बोला जाता है, उसी को संत बोला जाता है, उसी को धर्मात्मा बोला जाता है, उसी को आर्य पुरुष बोला जाता है। बाकी तो हिजड़ों की फौज पल पल। दिल की तड़प है मेरे, छाती फाड़ करके मैं दिखा सकता नहीं हूँ, मैं कोई हनुमान नहीं, क्या राम को दिखा। ये मुल्लास्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में जो भी जन्म लेता है, जो भी श्वास लेता है, यहाँ पर जितने भी जन्म लिया है सारे हिंदू है। तुम्हारे जिंदगी में सुवर नहीं होगे, शत्रु नहीं होगे, तो तुम्हारा जिंदगी पर लानत है, मर जाना चाहिए। मैं कहा कि हिंदू रक्त संगठन बनाना चाहूं, मेरा दिमाग थोड़ा डूब मरना चाहिए शर्म से, लाज से, कायर हिंदू तुम्हें लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। वीरप्पन का नाम सुना था ना आप लोगों ने, जंगलों में रहता था वो, मैं भी वैसा ही। लगता है सूर्य सागर के साथ खड़े होना चाहिए आपको। मैंने कहा मर जाओ, मरना होगा तुम्हें, है हिम्मत वही सूर्य सागर के साथ खड़े हो जाना। मैं नामर्दों को अपने टोली में शामिल नहीं करूंगा, मैं जयचंदों की औलादों के पास नहीं रखा। देश के लिए मरने वाले, धर्म के लिए अपनी जान देने वाले विरले होते।